नमस्कार, आज हम आपको मिथुन चक्रवर्ती के संघर्ष भरे जीवन की कहानी बता रहे हैं। जब मिथुन चक्रवर्ती हीरो बनने के लिए चले थे, यानी नक्सलाइट का हृदय परिवर्तन होने के बाद उनके मन में एक्टर बनने की जिज्ञासा पैदा हुई। जब उनके मन में जिज्ञासा ये पैदा हुई कि अब नक्सलवादी से हमें एक एक्टर बनना है, एक हीरो बनना है और भारतीय सिनेमा के पर्दे पर छा जाना है, तो उनके मन में वो उमंग उत्साह जो लहर मार रही थी, अब वो बम्बई के तरफ अपना रुख करते हैं। लेकिन बम्बई के तरफ जब उन्होंने अपना रुख किया तो वो रुख इतना आसान नहीं था। यहाँ शुरू होता है कांटों से भरा जीवन, हर पग पर संघर्ष, हर पग पर दाव पेच, हर पग पर एक दूसरे को पछाड़ने के लिए भागम भाग भरी जिंदगी, एक दूसरे को पछाड़ने के लिए एक दूसरे के पैर पर को खींचने का, टांग खींचने का जोर आजमाइश। और इसी दौर में 1980 के दौर में पदार्पण होता है, एंट्री होता है मिथुन चक्रवर्ती का। जी हाँ दोस्तों, 1980 का सबसे बड़े स्टार बनकर उभरते हैं मिथुन चक्रवर्ती। तो आइए जानते हैं मिथुन चक्रवर्ती का दर्द भरा कहानी। मिथुन चक्रवर्ती की वाइफ से ही हम शुरू करते हैं। मिथुन चक्रवर्ती की जो वाइफ थी युक्ता वाली, यह पहले किशोर कुमार की धर्म पत्नी हुआ करती थी। जी हाँ, वही किशोर कुमार जो भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सिंगर थे और एक अच्छे एक्टर भी थे, उनकी पत्नी थी युक्ता वाली, जो बाद में जाकर के मिथुन चक्रवर्ती की वाइफ बनी। हुआ ये कि किशोर कुमार के साथ युक्ता का किसी कारण से मनमुटाव हो गया और युक्ता वाली एक कलाकार थी, एक एक्ट्रेस थी। मिथुन चक्रवर्ती एक मूवी के दरमियान उनसे बात होती है, मिलते हैं, जुलते हैं, दोनों में प्यार हो जाता है। अब परिणाम होता है कि बाद में दोनों शादी कर लेते हैं। इस शादी से किशोर कुमार इतने नाराज हो जाते हैं कि वो मिथुन चक्रवर्ती के लिए कोई गाना गाना नहीं चाहते हैं और उन्होंने साथ साथ में और लोगों को भी मना कर दिया कि मिथुन के लिए ना कोई गाना गाएगा ना कोई गाना लिखेगा। मिथुन चक्रवर्ती के लिए बड़ा ही कसमकस रहा, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती कभी हार मानने वाले व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने नए नए कलाकारों को लिया, नए नए गायक को लिया, नए नए राइटर को लेकर के फिल्में बनाना स्टार्ट किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पूरे संघर्ष भरे जीवन में, संघर्ष के दौर में भी उनका सच्चा अगर कोई साथी था तो वो था बप्पी लहरी। जी हाँ दोस्तों, बप्पी लहरी कभी भी मिथुन चक्रवर्ती का साथ नहीं छोड़ा। मिथुन चक्रवर्ती के लिए गाना लिखते रहे, गाना गाते रहे और मिथुन चक्रवर्ती एक से बढ़कर एक फिल्में देते रहे। और परिणाम हुआ कि जहाँ अमिताभ बच्चन एक फिल्म रिलीज करते, वहाँ मिथुन चक्रवर्ती की उसी साल 5 फिल्में रिलीज होती। हम आपको बता देते हैं कि जिस समय मिथुन चक्रवर्ती का भारतीय सिनेमा में एंट्री हुआ था, उस समय दौर था संजय दत्त का, अनिल कपूर का, विनोद खन्ना का, ऋषि कपूर का, अमिताभ बच्चन का, उस समय के सुपरस्टार हुआ करते थे ये लोग। लेकिन सबको पछाड़ते हुए, सबको मात देते हुए एक सच्चा कलाकार आगे बढ़ता है जिसका नाम है मिथुन चक्रवर्ती। और मिथुन चक्रवर्ती नेपोटिज्म के भी शिकार हुए, इनको फिल्में उतनी नहीं मिलती थी, लेकिन इनके अंदर इतना टैलेंट था कि कोई भी जो प्रोड्यूसर था, कोई भी डायरेक्टर था, मिथुन चक्रवर्ती को नज़रअंदाज नहीं करता था। हर कोई जानता था कि मिथुन चक्रवर्ती जो है वो सच्चा आदमी है, एक इंसान है और वो निश्चित रूप से एक दिन बॉलीवुड पर राज करेगा। और उन सब लोगों का जो भविष्यवाणी था, जो गेस था, वो सत्य साबित हुआ। बड़े बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने भी इनके साथ काम करने से मना कर दिया, क्योंकि उस समय अमिताभ बच्चन का दौर था। अमिताभ बच्चन इनसे जलते थे, वो नहीं चाहते थे कि मिथुन चक्रवर्ती का नाम, उनका शोहरत हमसे आगे बढ़े। और परिणाम ये हुआ कि मिथुन चक्रवर्ती को बहुत सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो था वो इनकार कर दिया। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ने क्या किया कि वो बी और सी ग्रेड का फिल्में बनाना प्रारंभ कर दिया, नए नए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को लेकर के फिल्में बनाए और इतने फिल्में बनाए कि मिथुन चक्रवर्ती का 5-5 फिल्म, एक शहर में अगर 5 सिनेमा हॉल होता था तो उसमें से एक पर अमिताभ बच्चन का
फिल्म चल रहा होता था तो उसमें बाकी चार जो सिनेमा हॉल था उसमें मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में चलती थी। सोचिए कि ऐसा था कि सिर्फ उस शहर में अगर शो टूटता था तो चारों तरफ सिर्फ मिथुन चक्रवर्ती के दर्शक हुआ करते थे। शहर में उस समय अमिताभ का एक पोस्टर नजर आता था या किसी अन्य कलाकार का एक पोस्टर नजर आता था, तो मिथुन चक्रवर्ती का वहाँ पर चार पोस्टर नजर आता था। जहाँ बस स्टैंड में जाइए, गाड़ी में जाइए, कहीं भी जाइए, दूसरे कलाकार का एक गाना बजता था तो अगल बगल जितने भी गाड़ी या टेम्पो लगा हुआ होता था तो वहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती का गाना बजते रहता था। तो ऐसा दौर था, इतना क्रेज था मिथुन चक्रवर्ती का। जहाँ अमिताभ बच्चन की एक फिल्में थी वहाँ पर इनकी पांच फिल्में रिलीज होती थी। मिथुन दा का एक और भी बात कहना था कि जो जलता है उसे खूब जलाओ। जी हाँ, जो जलता है दोस्तों उसे खूब जलाओ, और इतना ज़्यादा जलाओ, इतना ज़्यादा जलाओ कि उसके प्रकाश से तुम अपना भविष्य लिख दो, उसमें इतना प्रकाश भर दो कि तुम्हारा रास्ता उसके प्रकाश से आगे का मार्ग साफ साफ नजर आए, ताकि तुम सफलता की जो सीढ़ी है ना वो एक से एक बढ़ते हुए चले जाओ और धीरे धीरे तुम अपने मुकाम को हासिल करो। ये बात हम लोगों को भी, हम तमाम दर्शकों के भी जो बच्चे हैं या जो बड़े हैं उनको ये बहुत बड़ी सीख है, मिलती है मिथुन दा के इस फिल्म से, इस वाक्य से, कि हम लोग किसी काम को छोटा या बड़ा समझ लेते हैं, परिणाम होता है कि हम लोग को उतनी सफलता नहीं मिल पाती है जितना मिलना चाहिए। हम लोग किसी भी काम को करें तो पूरे लगन से करें, पूरी शिद्दत से करें, पूरे जोश से करें, पूरे उत्साह से करें, तभी हमें और आपको सफलता मिलेगी। सफलता एक दो दिन में नहीं मिलती है। आपने देख सुना होगा कि दशरथ मांझी जी जो बिहार के गया जिला के रहने वाले थे, वो 22 वर्ष में सिर्फ छीनी हथौड़ी से एक आदमी अकेले पहाड़ तोड़ दिया। अब आप सोच सकते हैं कि 22 साल उसने न धूप देखा, न जाड़ा देखा, न पानी देखा, न बरसात देखा, मेरे कहने का मतलब है, और वो लगन से काम करते रहे और अंत में 22वां साल आया जिस दिन पहाड़ का अंतिम पत्थर हटना था और अंतिम बार छेनी हथौड़ी जो जिस पत्थर पर लगा होगा। आप सोचिए कि 22 साल में कितने ठोकर खाए होंगे ये, और अंत में इनको सफलता मिलती है। तो ये कहानी है मिथुन चक्रवर्ती को एक नक्सल से लेकर के हीरो बनने तक कितना संघर्ष भरा जीवन है। आप सोच सकते हैं, आप सुन रहे होंगे तो आपको आइडिया लगा होगा कि एक साधारण सा लड़का कैसे सुपरस्टार बनता है। और आज मिथुन चक्रवर्ती भारतीय सिनेमा के जितने भी हीरो हैं उसे सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी वाले हीरो में से गिने जाते हैं। इनके कई सारे होटल हैं, कॉटेज हैं, और बहुत सारे फिल्म आज भी चलता है। और यूट्यूब पर दोस्तों सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला अगर कोई कलाकार है तो वो है मिथुन चक्रवर्ती। जी हाँ दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती के नाम पर जितने भी यूट्यूब पर वीडियो बनता है उसमें सबसे ज़्यादा व्यू मिथुन चक्रवर्ती के नाम पर ही आता है, और मिथुन चक्रवर्ती की कहानी ही सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसलिए इन पर कहानी बनाना, इनका बायोग्राफी लिखना, बायोग्राफी बना करके बोलना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इनमें ऐसा लगता है कि हमारी छवि है, आपकी छवि है, समाज का किसी लड़के की छवि है। तो दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप कृपया करके सर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, कमेंट करें कि आपको मिथुन चक्रवर्ती का कौन सा फिल्म आपको अभी तक सबसे अच्छा लगा है, हमारा कमेंट बॉक्स में लिखें। और आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। इन्हीं बातों के साथ मैं संजीत कुमार सिंह आपसे अनुमति चाहता हूँ। धन्यवाद आपने जो अपना बहुमूल्य समय दिया है।